डज फैजल खान फील लाइफ इज फेयर? आपके लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या है? बहुत डेडली क्वेश्चन है यार ये लोग तो लेकिन ये लाइन जो है ना, इससे मैं डर गया हूँ। ये कितने क्या क्या हो रहा है यार लाइन में। गिने चुने लोग कंट्रोल कर रहे हैं इंडस्ट्री को। पता नहीं, मैं भी देखता हूँ कुछ नॉन लोगों के बड़े हीरोज हैं, एक चार्म निकल गया है उन लोग से। मैं उस दौर में भी जब काम नहीं मिला था तो मैंने सीखना नहीं छोड़ा। बॉम्बे में भी जैसे 22 तारीख को खुल रहे हैं थिएटर्स, तो हमारी एक कोशिश है, प्लानिंग चल रही है कि शायद हम बॉम्बे में भी रिलीज करेंगे। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, पब्लिक डिमांड के, आपके डिमांड पे हम वापस आ गए टू, मैं तो इनको द फैजल खान बोलता हूँ सर। सर बहुत बहुत स्वागत है टू बॉलीवुड प्रेमी एंड थैंक यू अगेन फॉर गिविंग अस टाइम। आपने हमें दूसरी बार बुलाया, फैक्ट्री रिलीज हो गई है जी। एंड पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बॉलीवुड प्रेमी टीम को, थैंक यू, और सब व्यूअर्स को कि वो चाह रहे हैं कि मैं आके उनके सवाल का जवाब दूँ, तो कोशिश की जाएगी कि जितना हो सके जवाब दिया जाए सही तरीके से। यस, सच्चाई, सच्चे तरीके से। काफ़ी पब्लिक क्वेश्चंस आए एंड इसके पहले के इंटरव्यूज में भी काफ़ी सारे सवाल आए थे। जी जी जी। तो कुछ रिपीटेड सवाल है, कुछ नए सवाल है, एक दो तीन सवाल ऐसे है जो मैक्सिमम लोगों ने पूछे, वो सवाल हम एकदम आखिर में आपको पूछेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर, सारा दिलानी उनका नाम सारा है। दिलानी, यस, आपकी सारा दिलानी, वो जर्मनी से एक लड़की है। ओके, वो हाँ मेरी फैन है, वहाँ वो हर शो में आ जाती है मेरी। उनका सबसे पहला सवाल है कि विच इज योर फेवरेट सीन एंड सॉन्ग फ्रॉम मूवी फैक्ट्री। फेवरेट सॉन्ग तो मेरा फ्राइडे हो ड्राइडे हो माला दारू पाई जे, वो फेवरेट है मेरा, क्योंकि वो गाना मस्ती वाला गाना है और परफॉर्म करते वक्त भी लॉलीपॉप जी ने बहुत अच्छी तरह कोरियोग्राफ किया, बहुत मज़ा आ गया। तो वो मेरा फेवरेट गाना है, फ्राइडे हो ड्राइडे वाला। और सीन, यस, सीन मेरा एक्चुअली सीन इतने अच्छे अच्छे सीन्स हैं कि सीन एक सीन पॉइंट आउट करना, पूरा बच्चा ही मेरा है ना यार। तो उसका बाल से लेके उसका रुआ, उसका नाखून, उसका उंगली, सब मुझे पसंद है। तो सीन, पूरी पिक्चर ही मेरे दिल के बहुत करीब है। तो सीन कौन सा बोलो? तो सीन ऐसा नहीं बोल सकते। ओके, पूरा पूरी पिक्चर दिल के बहुत करीब है यार। तो सीन ऐसा एक बोलूँगा तो दूसरे सीन्स के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। एक और सवाल किया है सारा दिलानी ने जी, हु इज अ बिग इंस्पिरेशन इन योर लाइफ? इंस्पिरेशन तो मैं सब लोगों से भी लेते रहता हूँ। एक्चुअली क्या है, सारा आई एम लाइक अ स्पॉन्ज, मतलब मैं सब लोगों से अच्छी अच्छी चीज़ें अपने पास रखता हूँ और बुरी चीज़ें निकाल के फेंक देता हूँ। तो एक ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं है, कल कोई एक बच्चा भी हो सकता है, कोई बुजुर्ग भी हो सकता है जिससे मैं कुछ सीख लूँ बात, तो वो मैं अपने दिल के पास अपने अंदर समेट लेता हूँ। और जो भी बुरी पॉइंट्स है लोगों में, वो मैं उनको समझ के उनको दूर कर देता हूँ। तो दैट इज़ माय, कि सही रास्ते पे चलो और अच्छा अच्छी चीज़ें इम्बाइब करो, दैट इज़ माय प्रिंसिपल। कीप ऑन टेकिंग पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी लो, नेगेटिविटी छोड़ो, अच्छी चीज़ें रखो, बुरी चीज़ें हटा दो, वो कॉन्स्टेंट चलते रहता है ज़िंदगी में। ऐड एंड डिलीट, ऐड द गुड पॉइंट्स एंड डिलीट द बैड पॉइंट्स। नेक्स्ट सवाल है हीना शाह का। हीना शाह, यस, उन्होंने पूछा है डज फैजल खान फील लाइफ इज फेयर? यस, आई फील लाइफ फेयर, तो आई कांट नो एक्चुअली, फेयर लाइफ इज नॉट फेयर, इट्स डिफिकल्ट ट्रिकी क्वेश्चन है यार ये। हीना शाह ने पूछा है। हीना शाह क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लाइफ इज नॉट फेयर मेनी टाइम्स, बट देन वन हैज टू लर्न हाउ टू डील विद सिचुएशंस एंड लर्न हाउ टू कम आउट एज अ विनर इन सिचुएशंस इन द डिफिकल्ट टाइम्स। तो सब सबर से काम लो और नाप तोल के फैसला लो हर जिंदगी में, तो फिर अच्छा ही होता है। डिफिकल्ट टाइम में भी क्या आदमी को संभालना पड़ता है अपने आप को। मेरे एक अंकल ने मेरे को एक मैसेज भेजा था कि डोंट लेट सक्सेस गो टू योर हेड एंड फेलियर गो टू योर हार्ट। तो बुरा टाइम भी आता है, फेलियर होता है आदमी का, तो वो दिल पे लेना नहीं चाहिए। और सक्सेस ऐसा नहीं मिलेगा उड़ने लग जाना नहीं चाहिए, आदमी को ज़मीन पे टिके रहना चाहिए। तो वो एक फाउंडेशन होता है। लाइफ इज़ नॉट फेयर, वो तो है, मतलब यू वुड लाइक टू यू नो, मतलब ऐसा लगता है बहुत टाइम पे, किसी के दूसरे के साथ भी लगता है कि इसका ऐसा क्यों हो रहा है,
लेकिन सब्र करो, सच्चाई के रास्ते पे चलो और ऊपर वाले से, ऊपर वाले का दामन मत छोड़ो। वहाँ से जो स्ट्रेंथ मिलता है ना गॉड से, वो अलग ही होता है यार। दैट कैन मेक यू पुल थ्रू आउट ऑल द डिफिकल्ट सिचुएशंस। दैट्स व्हाट आई हैव आल्सो सीन एंड गॉन थ्रू। तो हिना जी, आपके सवाल का जवाब दे दिया है फैजल सर ने। सर, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं फ्रॉम प्रीति मल्होत्रा। उन्होंने तो ऐसे लाइन में 10 सवाल दे दिए थे। अच्छा, तो मैंने थोड़ा डाइवर्सिफाई किया, बोले पहले चार पूछते हैं, फिर चार पूछते हैं। तो प्रीति जी, आपका, उनका पहला सवाल है कि आपके लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या है? लाइफ की सब बहुत डेडली क्वेश्चन है यार ये लोग तो। लाइफ की सबसे बड़ी गलती है कि मैं एक्टर बना। सच में, अभी झूठ मत हंसो मत। क्योंकि मैं एक्चुअली, एक्टिंग क्या होता है, एक बनावटीपन होता है जो मुझ में है नहीं, तो मुझे ये कला सीखनी पड़ी। ओके, एक्चुअली मैं ये लाइन के लिए बना नहीं हूँ। प्रीति मल्होत्रा ना? यस, प्रीति, मैं ये लाइन के लिए बना नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं ऊपर वाले ने क्या मुझे ये लाइन से, मैं जाना चाहता था होटल लाइन में, आपको मैंने पहले तो बार बार मेरे को यही लाइन ऊपर वाला घसीट के लेके आता है, पता नहीं यार क्या बात है। तो मतलब सबसे बड़ी गलती यही कि एक्टर बनना पड़ा, फॉल्स लाइफ, एक दूसरा किरदार जीना पड़ रहा है, अलग अलग किरदार। काम अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है एक बार आप सीख लो तो, लेकिन ये लाइन जो है ना, इससे मैं डर गया हूँ। ये कितने क्या क्या हो रहा है यार लाइन में। और अब ये देखो तुम, एक एक के पोल घुल, तो एक्टर बन के ये लाइन में जीना पड़ रहा है। तो खैर, सीख रहे हैं ये लाइन के भी, पॉलिटिक्स सीख रहे हैं अभी, दुनिया ही ऐसी हो गई है, पॉलिटिक्स भरी। एक और उन्होंने सवाल किया, थोड़ा सा गर्लिश क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि पहले आपकी व्हाइटिश स्किन थी, बट फैक्ट्री में काफ़ी गोरे दिख रहे हो, क्या आपने स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट की है? नहीं, मेला की वजह, मेला का जो रोल किया था ना मैंने, मैं फेयर ही हूँ एक्चुअली। मैं, मेरा रंग जो है वो थोड़ा मेरे डैडी के ऊपर गया है, मेरे डैडी बहुत फेयर थे, गोरे गोरे थे, तो मैं भी गोरा ही हूँ। फैमिली में सबसे ज़्यादा गोरे है, अब्बा जानते, सेकेंड मैं ही होऊंगा। मेला के वक्त पे आपको ऐसा लगा होगा कि मेरा स्किन वीट है, क्योंकि वो मेकअप ऐसा किया गया था। मेकअप थोड़ा टफ रोल था ना ट्रक वाले का। काबू में भी वैसे ही, हाँ, काबू में भी टफ है और बस्ती में भी टफ। मैंने जो भी फिल्म्स की उसमें टफ रोल था, एक गुंडे वाले का काबू में, जो शरीफ आदमी गुंडा बन जाता है, तो उसमें भी एक मेकअप चेंज देखेंगे आप। अगर आप पिक्चर गौर करें तो जो वो इनोसेंट रहता है तो मेकअप उसका नॉर्मल है, फिर वो टफ बन जाता है तो मेकअप थोड़ा डार्क हो जाता है, टैन हो जाता है। वो बस्ती में भी ऐसा हम लोग ने यूज़ किया था, और मेला में तो टाइम ही रखा था क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर धूप में चला रहा है, ये कर रहा है, तो रफ टफ कैरेक्टर्स थे, तो इसलिए डार्क स्किन था। अभी एक्चुअली मेरा एक्चुअल कलर फेयर ही है। okay. तो ये राज है। तो वाइटनिंग ट्रीटमेंट नहीं, वाइटनिंग ट्रीटमेंट नहीं किया, वाइटनिंग नहीं किया। संपना अथीना उनका नाम है। उनका सवाल है कि डू यू फील दैट इट वॉज अनफेयर सो मेनी ईयर्स यू वर नॉट एक्टिंग And no one helped you. ये सब तुम लड़कियों के ही सवाल ले रहे हो यार, लड़के कहाँ गए? लड़के भी आ रहे हैं। लड़के आपकी ज्यादा फैन है सर। लड़कियाँ? यस। ठीक है, एक तुमको इंसिडेंट बताता हूँ। मधोश के टाइम पे मैं जब पिक्चर रिलीज हुई तो मैंने एक इंटरव्यू दिया था, और उसमें मैंने लिखा था कि आई नो हाउ टू हैंडल हॉर्सेज बट नॉट गर्ल्स। तो मधोश जब रिलीज हुई तो एक फीमेल फैन ने 2 बिल्लियों के बच्चे भेजे और लिखा था नोट में कि यू बेटर लर्न हाउ टू हैंडल कैट्स। तो ये एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। मैं रोमांस में थोड़ा फेल ही रहा हूँ यार पहले से, थोड़ा हिचकिचाता हूँ मैं रोमांस में। अब देखो ब्लश भी कर रहा हूँ, तो खैर। वो मेरा फैक्ट्री में भी तो कैरेक्टर ऐसा है ना यार कि वो पहले हिचकिचाता है बहुत, और वो मतलब थोड़ा फपलाता है लड़कियों को देख के, तो ऐसा है यार, बाद में कंफर्टेबल, बाद में जैसे वो एक्सेप्ट करती है, ऐसा होता है लाइफ में। तो वापस सवाल पे आता, सवाल पे आइए कि डू यू फील दैट इट वाज अनफेयर सो मेनी इयर्स यू आर नॉट एक्टिंग एंड नो वन हेल्प्ड यू? नहीं, अनफेयर नहीं है यार। देखो मैं क्या समझता हूँ ना दिग्विजय, कि यार लाइफ में जो गुजरना पड़ता है उस पर आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आग में चलना है तो आग के दरिए से निकलना पड़ेगा। कितने बड़े बड़े लोग हुए, उनको क्या क्या तपस्या करनी पड़ी, क्या क्या उनको टेस्ट देना पड़ा लाइफ में, है ना, क्या क्या उसे गुजरना पड़ा। तो इट्स अ टेस्ट ऑफ टाइम,
मतलब अगर नहीं मिला काम तो ऐसा नहीं, मतलब मैं सीखते गया। मैं उस दौर में भी जब काम नहीं मिला था तो मैंने सीखना नहीं छोड़ा। तो वो ज़रूरी होता है कि आदमी सीखता रहे हर दौर में, और सीखते सीखते अपने अपना ग्रोथ करता रहे, फिर जब टाइम आएगा अच्छा तो यू विल बी रेडी फॉर इट। अगर मैं सीखता नहीं इतने सालों तो मैं रेडी नहीं होता। मुझे कोई ब्रेक भी देता तो मैं रेडी नहीं होता एक्टिंग के लिए, डायरेक्शन के लिए। आज मैं ये पूरा एक्टिंग, डायरेक्शन, सिंगिंग कर पाया क्योंकि मैं अपने अपना तपस्या नहीं छोड़ी मैं। तो वो एक सीखना चाहिए हर हर लाइफ में, जो भी सीखो फायदेमंद ही होता है आगे चल के। तो इट वॉज ठीक है, नहीं मिला काम लेकिन सीखना नहीं छोड़ा। शायद अभी लिखा था कि अभी काम मिलेगा, अभी आगे चलेगी गाड़ी, तो अभी सब चीज़ें हो रही हैं। इट्स नेवर टू लेट। अगला सवाल लड़के का है, कबीर खान नाम है। हाँ। आपकी फिल्म बहुत अच्छी थी। हाँ। काश ये इंडस्ट्री आपकी टैलेंट को समझ पाती। ये इंडस्ट्री कुछ गिने चुने लोगों में बिक चुकी है। हाँ। इस पे आपके क्या विचार है? कबीर खान, यस, कबीर वर्मा, नॉट खान, कबीर वर्मा इज राइट कि इंडस्ट्री का एक मोनोपोली हो चुकी है और गिने चुने लोग कंट्रोल कर रहे हैं इंडस्ट्री को, लेकिन ये ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगा। क्योंकि क्या है कि किसी चीज़ को स्पेशली क्रिएटिव फील्ड में कंट्रोल तो होना ही नहीं चाहिए। यू नो, कल कोई भी उठ के कुछ अच्छा क्रिएटिव निकाल सकता है। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ सालों तक डोमिनेट भी किया कुछ लोगों ने, लेकिन आगे चल के अभी क्या हो गया है, यूट्यूब आ गया, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो क्या जो भी चीज़ है वो रिलीज़ हो जाती है, ऑडियंस के सामने आ जाती है ना। कितने छोटी शॉर्ट फिल्म्स भी बन रही हैं, वेब सीरीज़ भी बन रही हैं, तो क्या नया टैलेंट, चाहे वो डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, सब तरीके से आ रहा है। तो अब ये डैम टूट गया, जो मोनोपोली है टूट गई है, और अभी ये यहाँ से ग्रो ही होते रहेगा मेरे हिसाब से। तो कबीर वर्मा विल सी लॉट ऑफ न्यू टैलेंट कमिंग आउट, चाहे वो स्क्रिप्ट में हो, चाहे वो डायरेक्शन में हो, चाहे वो एक्टिंग में हो, एडिटिंग में हो, बहुत लोग सीख के आ रहे हैं अलग अलग फील्ड से। और वो होना ही था, बहुत अच्छा हुआ। कबीर वर्मा का बहुत ही सेंसिबल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये होना ही था कभी ना कभी। और ये वक्त अब शुरू हो गया, अब नई नई चीज़ें, अब सब मोनोपोली टूट जाएगी, देखिएगा अब नए लोग आएंगे। और इंडस्ट्री में जो भी सब बुराइयां हैं वो भी सबके पोल खुल रहे हैं, तो उनको लोग फॉलो करना बंद कर देंगे मेरे हिसाब से। तो अब जो सब लोगों के गलत गलत काम सब बाहर आ रहे हैं, गलत गलत पोल, तो पीपल विल स्टॉप फॉलोइंग देम। एंड अभी पता नहीं, मैं भी देखता हूँ कुछ नॉन लोगों के बड़े हीरोज़ हैं, तो कुछ एक चार्म निकल गया है उन लोग से। कुछ फ्रेंड्स भी बोलते हैं मुझे कि यार ये जो सब इंडस्ट्री में थे, कुछ चार्म निकल गया है, चार्म निकल गया, सबके असलियत बाहर आ रही है ना यार, सब गलत काम कर करके, तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बंद हो जाएगी। और ये हर 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 दौर में हुआ है, दिग्विजय भी, दिग्विजय भाई, हर दौर में ऐसा हुआ है कि कुछ स्टार्स आते हैं, रूल करते हैं, फिर नई पीढ़ी आती है। करेक्ट। तो आई थिंक अब नई पीढ़ी आने का वक्त आ गया है। अगला सवाल है डैनियल खान का। डैनियल खान, यस, yes, उनका सवाल है रिएक्शन ऑफ फैजल खान ऑन फैक्ट्री बैड रिव्यूज। हाँ, नहीं देखो क्या होता है, एक चीज़ हम लोग बनाते हैं, कोई भी मेकर होता है, कोई भी डायरेक्टर होता है, वो चीज़ बनाता है, एक फिल्म पेश करता है, तो आप 100% आपको तो अच्छे व्यूज़ मिलेंगे नहीं। ये कोई भी चीज़ में ले लो, तो 100% व्यूज़ तो नहीं मिलेंगे। तो एक मेकर की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी तारीफ़ की जाए उसके काम की। तो अगर 80% या 90% भी लोग पसंद कर रहे हैं उसका काम, तो वो उसके लिए जीत होती है। तो फैक्ट्री में भी हम लोग ने यही कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, एंटरटेन हो और पसंद किया। अभी कुछ लोग को नहीं भी पसंद आएगी, कुछ लोगों का रिएक्शन भी आया है मुझे कि अरे आपका कैरेक्टर बहुत लाउड हो गया, ये है वो है। तो अब ये तो पागल आदमी, मतलब ये साइको आदमी है ना कैरेक्टर फिल्म में, तो साइको तो कभी क्या रहेगा, कभी उसमें बहुत मतलब मर्क्यूरियल कैरेक्टर है, कभी ठंडा कभी गर्म, जैसा मर्क्यूरी थे ना बुखार में ऊपर चढ़ जाती है, नीचे आ जाती है झटकों को, तो मर्क्यूरियल कैरेक्टर है। तो वैसा है, तो कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं भी शायद पसंद आए। आई एम ओपन टू इट। हमारे पास जितने भी कमेंट्स आए ना सर, जी जी, इंटरव्यूज पे या जो अभी पोस्ट किया था, क्वेश्चन भेजा उस पर, तो उसमें भी मैक्सिमम कमेंट्स ये थे कि फैजल खान की फैक्ट्री हमें बहुत अच्छी लगी और हम उनको आगे भी सपोर्ट करेंगे। तो अच्छा, मैक्सिमम मतलब 90%, 10% आपने जहाँ जैसे कहा कि
वैसे रिव्यूज आए जी, 90% लोगों ने पसंद किए तो पिक्चर हिट है। बस ऊपर वाले का शुक्र है, ऊपर वाले की कृपा है। और हम तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बॉम्बे में भी जैसे 22 तारीख को खुल रहे हैं थिएटर्स, तो हमारी एक कोशिश है, प्लानिंग चल रही है कि शायद हम बॉम्बे में भी रिलीज़ करेंगे पिक्चर को। ये कोशिश है, प्रोड्यूसर से बात की जाएगी और देखते हैं उनका क्या मूड होता है। तो कोशिश है, अभी वादा नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन क्योंकि बॉम्बे की पब्लिक रुकी हुई है बॉम्बे की फिल्म थिएटर में देखने की, तो हम लोग कोशिश करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेंगे, ऐसा जमाया जाएगा कि, और फिर हम लोग अगर ऐसा हो जाता है तो मैं आपके आपके थ्रू और अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अनाउंस भी करूँगा आके कि हम बॉम्बे में भी कर रहे हैं थिएटर्स में, चाहे कम ही होंगे लेकिन कोशिश करेंगे कि करें, अच्छा रहेगा। यस, ये ऊपर वाले की कृपा है, अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को ज़्यादातर पसंद आ रही है पिक्चर, क्योंकि जो मैंने भी पिक्चर दिखाई थी, काफ़ी ट्रायल्स भी किए थे, जो मेरे फ्रैंक बताने वाले लोग हैं ना, वो लोग फ्रैंकली बता देते हैं मुझे, जो एकदम करीब होते हैं ना यार दोस्त, वो लोग तो छोड़ते नहीं आपको, मतलब आपकी तो बुराइयां पहले वो लोग बोलते, तो वैसे भी मुझे अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं, मतलब ज़्यादातर अच्छे आए, तो एक दिल को खुशी होती है, एक क्रिएटिव आदमी को और क्या चाहिए, है ना, एक काम की तारीफ हो तो उससे ज़्यादा क्रिएटिव आदमी को कुछ चाहिए नहीं, खाना नहीं मिले लेकिन काम की तारीफ हो जाए तो मज़ा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। yes. तो फैक्ट्री को अच्छा रिस्पांस ओवरऑल तो मिल रहा है, अभी बाकी देखते हैं। और ओटीटी पे जब आएगी तो यहाँ पे बॉम्बे, और जब ओटीटी और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जब लगेगी पिक्चर, तब वाइडर ऑडियंस देखेगी, और ओटीटी पे और बुक माई शो और गूगल प्ले या जो भी ऐसे सब प्लेटफॉर्म्स हैं, तो तभी भी ऑडियंस देखेगी। उसके बाद हम दूसरा इंटरव्यू करेंगे जब एक अच्छी तरह जब रिलीज हो जाएगी, चाहे थिएटर्स में, थिएटर्स में तो खैर हो ही गई है, लेकिन ओटीटी और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तब उनका रिस्पांस आप पूछेगा उनसे। yes. फिर वो मज़ा आएगा, तब एक अलग शो करेंगे हम लोग। जरूर जरूर जी जी। अगले सवाल पे आता हूँ सर, दो जनों ने सेम सवाल पूछा है। अच्छा, एक पैक्रिक उन्होंने यूट्यूब पे पूछा था, और रवि सिंधल उन्होंने इंस्टाग्राम पे सेम सवाल पूछा। सेम सवाल? यस, एकदम सेम टू सेम। हाँ, मतलब काइंड ऑफ सिमिलर। ट्विंस है क्या ये लोग? नहीं नहीं। वो कह रहे कि नन ऑफ द सो कॉल्ड बिग बॉलीवुड क्रिटिक्स रिव्यूड योर फिल्म फैक्ट्री, एग्जाम्पल कोमल, तरन। व्हाई? बिकॉज वो बाकी सारे फिल्म्स का रिव्यू करते हैं, आपकी फिल्म का क्यों नहीं किया? जितने भी लोग ये चैनल देख रहे हैं बॉलीवुड प्रेमी, उसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि हम लोग जुड़े रहें एक दूसरे के साथ। बॉलीवुड प्रेमी दिग्विजय जी आपके सवाल पूछते रहें सब लोगों को, और आप तक उसका जवाब लाते रहें। आदाब।